Welcome to the channel again. आपको पता है कि इस चैनल के अंदर आपको मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं, इसके अलावा बायोलॉजी क्लास मिलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो वीकली हमारा क्लास जो चल रहा था प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। प्रेजेंटेशन स्किल हमने पढ़ी थी कि एक पूरा कोर्स है, उसमें मेरे दो लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। जो न्यू है उनके लिए बताता जा रहा हूँ कि जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं उसका पूरा कोर्स चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लेक्चर में समाई नहीं जाती, तो उसके लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, उसके लिए थोड़ा टाइम भी होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद दूसरी चीज़ सीखनी होती है। तो हमारा जो सेशन चल रहा है हर वीक के अंदर हर संडे पे हमारा एक लेक्चर होता है जिसमें हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है आपको सेट करनी है प्रेजेंटेशन के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट जो लेक्चर था, उसमें हमने बताया था कि प्रेजेंटेशन लेक्चर और वगैरह इसमें क्या फर्क होता है। उसके बाद जो सेकेंड था उसमें हमने बताया था कि इंग्रीडियंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन कौन से होते हैं, मसाले कौन से होते हैं, किसी भी जैसे चीज बनाने के लिए होते हैं ना इंग्रीडियंट्स, तो प्रेजेंटेशन के लिए बेसिक स्किल्स कौन सी होती हैं, बेसिक चीजें कौन सी होती हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है, तो वो स्क्वायर मेंटेन करना जरूरी होता है। चार पिलर्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, वो अगर नहीं होंगे तो प्रेजेंटेशन किसी काम की नहीं है। तो हम वो बात कर रहे थे, अब जो है हम उन पे भी जाएंगे वन बाय वन। हमने पढ़ा था कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, हम डीपली पढ़ेंगे उसके बारे में, कंटेंट कैसे सीधा करें, कंटेंट के अंदर कौन सी चीजें लगानी चाहिए, वॉइस कैसे अच्छा करना चाहिए, वॉइस को किस तरह से जो ना ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए, किस तरह से जो वॉइस शुरुआत में होना चाहिए और फिर लो किस तरह से होना चाहिए, मीडियम में क्या होना चाहिए, मिड में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज, हर चीज को हम डीपली पढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है, चलो इससे पहले मैं बताता जाऊं कि ये जो प्रेजेंटेशन कोर्स जो है जिसने न्यू अप्लाई किया है, न्यू जो देख रहे हैं तो पिछले वीडियोस देखें, प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट सेकंड उसके बाद थर्ड पे आए, डायरेक्टली ये नहीं देखें। ये किसके लिए है प्रेजेंटेशन कोर्स, हर जो है एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए, और जो मोबिलाइजर्स हैं या कोई भी एनजीओस वगैरह में काम करने वाले जो भी कम्युनिकेशन स्किल से काम कर रखते हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये टीचर्स के लिए भी है, टीचर्स के लेक्चरर्स के लिए भी ये मुफीद होगा। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारा क्लास नंबर 3 है, तो क्लास नंबर 3 के अंदर हम आज क्या बात करने वाले हैं, देखिए हमने बेसिक जो है चीजें पढ़ ली थी, बेसिक को कैसे इंप्रूव करना है वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, जब आपने प्रेजेंटेशन का आपको पता हो गया कि प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन को आप क्या कोशिश करेंगे, बेसिक भी पता चल गया, आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपना जो है एक मैप बनाएंगे किस तरह से जो है मुझे प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज बोलनी है। तो वो प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपको क्या चीजें सोचनी है, बनाएंगे वो आप, आपको पता है टॉपिक के बारे में तो आप उस टॉपिक की चीज बताएंगे, भाई मैं बायोलॉजी का मास्टर हूं तो मैं बायोलॉजी को जानता हूं, बायोलॉजी को किस तरह से कौन सी चीज जो है बतानी है, कौन सी चीज नहीं बतानी, कौन सा टॉपिक है, वो अलग चीज होती है, हर टॉपिक का अपना अपना होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी प्रेजेंटेशन देने से पहले, आप जब प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो उससे पहले आपके जहन में क्या चीजें होनी चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाले हम नेक्स्ट वीक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंटेंट कैसे बनाएं, ठीक है। कोई भी टॉपिक पे जब आप बात करने जा रहे हैं तो टॉपिक पर जो बात करेंगे तो वो कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से कहां से हाथ करना चाहिए, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं, व्हाट टू कीप इन माइंड बिफोर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन को करने से पहले कौन सी चीजें याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके एम जो है क्लियर होना चाहिए, जब भी आप प्रेजेंटेशन दो तो आपका एम होना चाहिए समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी क्लास में आप लेक्चर देने जा रहे हो, किसी डेमो देने जा रहे हो, किसी में इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी भी चीज में आप गुफ्तगू करने जा रहे हो, फन गुफ्तगू में आपसे ये चीज आपके अंदर जरूरी होनी चाहिए कि यू मस्ट डू समथिंग डिफरेंट, आप कुछ ऐसा करें जो सबसे डिफरेंट हो, आपका ये एम होना चाहिए कि भाई जो चीज जो लोगों को पता है वो आपको पता जो है न्यू चीज आप उसमें लगाओ, ठीक है, डिफरेंट तरीके से दो, आपकी जो प्रेजेंटेशन का वे हो वो सबसे डिफरेंट हो, ठीक है, ये चीज। उसके बाद एम फुल हो, ऐसे नहीं कि प्रेजेंटेशन में जाना है बस ऐसे ही लोगों को बता के आना है, जान छुड़ानी है, ऐसे नहीं करना, एम फुल हो कि उसका जो हदफ हो आपके पास कि भाई जब ये प्रेजेंटेशन दूंगा तो उससे लोगों पे क्या असर पड़ेगा, आपकी ऑडियंस को क्या असर पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि जब आप एज ए ऑडियंस, अगर आप अपने आप को एज ए ऑडियंस समझेंगे कि आप ऑडियंस होंगे तो आप स्पीकर को क्या समझते हैं, स्पीकर वही जो सेम चीजें लेके आया तो आप उसको सुनना पसंद करेंगे, आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगर कोई चीज डिफरेंट बताता है तो आप कहेंगे भाई दिस इज द गुड मैन, दिस इज द गुड स्पीकर, आई बस समझ में। तो आपको एम फुल
और ऐसी स्पीच देनी है, ऐसी प्रेजेंट देनी है कि लोगों में असर रखे, एक्टिव हो, लोगों में असर रखे कि ये चीज समथिंग देयर वाज डिफरेंट और हमें अप्लाई करनी है अपनी रेगुलर लाइफ में। आई बात समझ में? उसके बाद लाइफ चेंजिंग हो, उसके लाइफ चेंजिंग, वही बात मैं कह रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग हो उसकी। ऐसे नहीं कि हमने बहुत सारी स्पीच सुन लेते हैं उसका हमें कुछ असर नहीं पड़ता। कुछ कुछ स्पीचेस ऐसी होती है जिसका हमारा, जैसे कासिम अली शाह साहब की हम जो स्पीच सुनते हैं तो हमारे पास असर पड़ता है ना। तो इस तरह से जब आप ऐसी स्पीच वगैरह सुनते हैं तो आपके पास असर पड़ता है। रोबिन शर्मा पढ़ लो आप, स्टीफन आर को भी पढ़ लो, तो इससे बुक्स पढ़ने से वगैरह से, तो उन्होंने क्या अपने आइडिया शेयर किए, आइडिया शेयर किए प्रेजेंटेशन फॉर्म में, वो बुक्स की फॉर्म में। इसी तरह से आप क्या करेंगे, डिफरेंट देंगे, एक्टिव, लाइफ चेंजिंग हो और अप्रिसिएशन। आप अपने जहन में सोचें जब ये प्रेजेंटेशन दूंगा तो इस किस तरह की हो कि मुझे ये जो मैं प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूं इसमें मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, क्या अप्रिसिएशन मिलेगी या डिमोटिवेशन मिलेगी कि लोग कहेंगे भाई इसने तो अच्छी नहीं दी। तो ये चीज आप सोच के जो है प्रेजेंटेशन दिया करें। याद रखें जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो आप ये सोचें कि आई एम द ओनली वन पर्सन दैट इज गुड फॉर दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं ही आज जो है प्रेजेंटेशन अच्छी दे दूंगा। ठीक है, जब भी आप किसी स्टेज पे जाएं तो आप अपने आप के माइंड में यही सोचें आप स्टेज के लिए एल हैं तभी तो आए हैं ना, वरना बहुत सारे लोग हैं वो नहीं आ पाए। क्यों? आपके पास एबिलिटीज है, खुदा ने रखी है, तभी खुदा ने जो है आपको स्टेज पे लाया है, वरना आपके पास ये एबिलिटीज नहीं होती तो आप दूसरे ऑडियंस की तरह बैठे होते। तो ये चीज आप रख के फिर आप उसकी तैयारी करें, उसको जो खुदा ने आपको जो ये मौका दिया है तो मौके का फुल फायदा उठाएं और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें। क्लियर? अच्छा, ये चीजें तो हैं आपको सोल के लिए, स्पिरिट के लिए, मोटिवेशन के लिए। अब उसके बाद जो है जब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप, कंटेंट बना रहे हैं कुछ भी, तो उससे पहले आपको कौन सी चीजें जो है याद करनी है, ठीक है, समझनी है, उसको मद्देनजर रख के फिर आपको कंटेंट बनाना है, हर चीज बनानी है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में संडे पे होगा। नाउ टाइप ऑफ टॉपिक, अब जो प्रेजेंटेशन जो भी बनाते हैं वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ टॉपिक पे, किस तरह का टॉपिक है हमारे पास। आई समझ में कि टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कोई स्टडीज का है, हम जो स्कूल में स्टडी करते हैं या कॉलेज में स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटी में कोई टॉपिक है, तो उस लिहाज से हमें सीरियस होकर थोड़ा बताना होगा प्रेजेंटेशन भी। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच है या कोई जो है फंक्शन वगैरह चल रहा है कॉलेज में, फेयरवेल पार्टी वगैरह, तो उसकी स्पीच है, उसका थोड़ा डिफरेंट माहौल होगा। तो ये चीज टाइप ऑफ टॉपिक पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज टाइप ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस कौन सी है, ऑडियंस को मद्देनजर रख के आप जो हमेशा अपनी स्पीच की तैयारी करें। ऑडियंस आप देखें, ऑडियंस में कौन सी चीजें, ऑडियंस में आप उसकी एज देख सकते हैं, फॉर्मल आर इनफॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा जो है गर्ल्स और बॉयज, ये चीजें सब नोट करनी होती है भाई। एज है, फॉर एग्जांपल जो है आप ओल्ड पीपल के सामने जो ना स्पीच जो है दे रहे हैं जिनको ह्यूमर वगैरह पसंद नहीं, तो आप ह्यूमर जो है जोक्स बताते जा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, ओके, दे रहे हैं लेकिन कम। अच्छा, उसके बाद फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल कोई मीटिंग चल रही है उसमें प्रेजेंटेशन है उसमें बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर गर्ल्स हैं तो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो गर्ल्स के लिए अनसुइटेबल लगे, तो वरना जो है बॉयज के साथ भी नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी कभार ह्यूमर की तरह से आप कुछ भी कैसा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको कंट्रोल में करके बताएंगे। एज फॉर्मल, गर्ल्स इनफॉर्मल, जिस तरह के एज जो है मैटर करता है, बहुत हर एज की अपनी अपनी नोयत होती है समझने की। अगर आप स्पीकर ऐसे स्पीकर बोल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कि आपका सेशन है पब्लिक स्पीकिंग का, ठीक है, तो वहां पे बच्चे हैं छोटे, तो आपको उस तरह से छोटी छोटी स्टोरीज बतानी है बच्चों को। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी स्टोरी जो है कोटेशन बनाना, बच्चों को कोटेशन नहीं पसंद, बच्चों को जो है कोई रटी हुई लाइन नहीं पसंद, बच्चों को स्टोरी समझ में आती है। आएगा समझ में? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब जो बड़ी एज है जो समझने वाली है उसको थोड़ा आप मोटिवेशनल चीज दूसरी भी बता सकते हैं, स्टोरीज के अलावा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स है उसके लिए भी। तो ये टाइप ऑफ टॉपिक और टाइप ऑफ ऑडियंस जो है नोट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद टाइप ऑफ जजेस, आपको टाइप ऑफ जजेस जो है, अगर कोई ऐसी स्पीच है जो कंपटीशन वाली है उसमें आप जा रहे हैं, उसमें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे ही प्रेजेंटेशन दें या स्पीच दें तो आपको जजेस का पता होना चाहिए कि जज, आप जज को रिक्वायरमेंट कौन सी चीज की है। पहले जो दो स्पीकर्स देखे गए हैं स्पीच, उसमें उसने क्या नोट किया है, या आपने पहले पिछला जो कंपटीशन हुआ था उसमें इस जज ने क्या मिस्टेक्स निकाली थी, तो क्या चीजें जो है इंप्रूव करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं, ये भी मेंटेन करनी होती है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है,
अच्छा, या आप जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं, तो उसमें कभी कभार ऐसा होता है ऑडियंस को जो एक्टिव करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज भी करवानी होती है। फॉर एग्जाम्पल जो है, आप कोई भी जो है ना ट्राई के लिए भी दे सकते हो, बलून वाले भी कर सकते हो, इससे बहुत से एक्टिविटीज है, वो आप आगे चल के बात करेंगे। मैं कहने का मतलब ये है कि आप कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, वहां का जो है एनवायरमेंट पहले देख के आना चाहिए कि जहां पे आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वहां पे कौन सा एनवायरमेंट है, इधर इट्स सुइटेबल और नॉट, कि वहां पे इतनी जगह है एक्टिविटी की या नहीं है, या अगर नहीं है जगह तो आप कैसे वहां पे जगह अरेंज करेंगे, वहां पे कौन सी चीजें जो है आपको कलेक्ट कर सकते हैं उनको एक्टिविटीज करवाने के लिए। अगर जो है आपको एक्टिविटी करवानी है किसी पेपर्स वगैरह से करवानी है, तो आप पेपर स्टेशनरी जो है उसका पहले से ही इंतजाम करके रखें, ऐसे नहीं कि उसके बाद बुलाए जो है ऑडियंस, जब आप जाएं फिर स्टेशनरी को बुलाएं तो टाइम लगेगा और वो चीज नहीं मिल पाएगी, कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें पहले सेटअप करनी होती है बिफोर एनी प्रेजेंटेशन। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। ये अक्सर करके जो ना लोग भूल जाते हैं, फिर जो है जो मैनेजर होता है, ठीक है, जो अरेंज करने वाला होता है बंदा, वो बोलता रहता है कि भाई टाइम इज ओवर, दिस इज नॉट फेयर। टाइम को बहुत ही मैनेज करना है, और वही बंदा अच्छा है जो पंक्चुअलिटी में हो, मींस जो टाइम उसको दिया गया हो उसी में ही वो बात अपनी बता दे, ठीक है। तो वही होता है, काउंट होता है, उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। मींस अगर हम आपको जो ना 30 मिनट्स देते हैं तो 30 मिनट्स में ही बात करनी है, उसे ज्यादा टाइम नहीं देना। अच्छा, एक्टिविटीज जो करवानी है आप, तो एक्टिविटीज उसी में ही आ जाएं। एक्टिविटीज के लिए आप शेड्यूल बनाएं, इतनी देर मुझे बात करनी है, ठीक है, इतने मिनट जो है मुझे एक्टिविटीज करवानी है, इतने मिनट के बाद जो एक्टिविटीज के बाद जो है कुछ ह्यूमर बात करनी है, ह्यूमर बात करने के बाद ताकि वो ऑडियंस जो एक्टिव हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीजें जो है मेंटेन करनी है। अगर आपकी ये चीजें मेंटेन है तो आपकी जो है प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। अगर आपकी ये चीजें जो है मेंटेन नहीं है, आप ऐसे ही चले गए, आपने कंटेंट भी अच्छा है, आपका आई कांटेक्ट भी अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज भी, हर चीज अच्छी है, लेकिन ये चीज आपने नहीं से की, तो आपकी प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। ये मसले होंगे, ये चीजें आपको प्रेजेंटेशन को A1 कर देंगी। अगर इसमें कुछ प्रेजेंटेशन हो जाएगी फिर भी, लेकिन कोई ना कोई मसला जरूर हो जाएगा भाई। तो आप जब भी प्रेजेंटेशन बनाने का सोचें, प्रेजेंटेशन देने का सोचें, तो अपने जहन में ये चीज जो है जरूरी रखें, वाई वाली, कि मैं प्रेजेंटेशन जो देने वाला हूं वो क्यों देने वाला हूं, जो लोग सुनने वाले हैं क्यों सुनने वाले हैं, क्या वो कौन सी चीज सुनना चाहते हैं, समथिंग डिफरेंट सुनना ही चाहे होंगे ना। तो उस तरह से आप वो ऑडियंस क्या, ऑडियंस कौन सी है, ऑडियंस जो है किस तरह का स्पीकर चाहते हैं, अगर बच्चे हैं तो वो स्टोरी वाला चाहते हैं, कोई बड़े हैं तो सीरियस चीजें न्यू नॉलेज चाहते हैं, ठीक है, कोई इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाली नॉलेज चाहते हैं, कोई जो है मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल वाली चाहते हैं, कोई जो स्पीकिंग जो है जो मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह को शौक रखते हैं तो उसको आप दे रहे हो, तो उसको उसी चीजें चाहिए। तो वो चीज जो है वाई वाली जो है ना आपको कंट्रोल करनी है। अब कौन सी चीजें आपको चीजें जहन में रखती है, टाइप ऑफ टॉपिक, टाइप ऑफ ऑडियंस, टाइप ऑफ जजेस, टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू, टाइप ऑफ वर्कशीट। अच्छा, वर्कशीट कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं, जब आप ये प्रेजेंटेशन देंगे एट अ फाइनल आप वर्कशीट दें जिसके बाद उनकी लाइफ से चेंज हो, ठीक है। उसके बाद जो आप वर्कशीट में लिख सकते हैं कि भाई फला नंबर है या फला जो है ये जो मेरा पेज है उस पर आप जो है अपने जो कमेंट्स दे सकते हैं कि ये क्या कैसी मेरी प्रेजेंटेशन थी, या कौन सी चीजें जो आपने अडॉप्ट की हैं और आप उससे कितना फायदा ले रहे हैं। ये चीज जो है बहुत मेन होती है, इससे आपको रिस्पॉन्स मिलता है और ऑडियंस जो है ज्यादा एक्टिव होती है, आपको लाइक करती है, दूसरी बार भी सुनना करनी चाहती है। यही चीज लेक्चरर के लिए भी अप्लाई करता है। अगर आप टीचर हैं तो टीचर भी ऐसे करें, टीचर भी जब क्लास के अंदर जाए तो उससे पहले ये सब चीजें कंट्रोल करके जाए, सब चीजें होके जाए, डिफरेंट हो, एम फुल हो के बच्चों का जो है सक्सेस करनी है, फ्यूचर बनाना है, एक्टिव हो बंदा, टीचर एक्टिव होना चाहिए, ह्यूमर वगैरह भी बोलना चाहिए, कोर्स बताने चाहिए बच्चों को, न्यू नॉलेज देनी चाहिए, फैक्ट्स देनी चाहिए, अप्रिसिएशन देनी चाहिए, बच्चों को भी अप्रिसिएशन देनी चाहिए और खुद अप्रिसिएशन भी मिलेगी बच्चों से, जब आप उसको ज्यादा पढ़ाएंगे अच्छे से तो अप्रिसिएशन भी करेंगे इस तरह से। नाउ वुच समझ में आ गया, वाई समझ में आ, लेक्चरर भी इसे अप्लाई कर सकता है, वर्कशीट देख सकता है बच्चों को, वर्कशीट से बच्चे जो इंगेज होते हैं उसके बाद जो है वो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल समझने के बाद जो है आपके काम करते हैं और उनके अंदर लाइफ के अंदर चेंजिंग, हमारा मकसद ही होता है कि उनके अंदर लाइफ के अंदर
चेंजिंग हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट टू कीप इन माइंड बिफोर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ एनी प्रेजेंटेशन. आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. ये पूरा सेशन है हमारा. अगर और भी आपका दोस्त है, आप भी चाहते हैं अपने जो दूसरे किड्स एंड किन्स मीन्स सिबलिंग्स वगैरह जो भी हैं, वो भी आपको आप चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उनके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल बढ़े. याद रखिए, ये प्रेजेंटेशन स्किल सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है. कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो आप बात करते हैं ये भी प्रेजेंटेशन स्किल होती है, आपको जरूर काम आएगी. तो अगर आप न्यू चैनल के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप कमेंट्स दें आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट संडे के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया.